जय भीम जय जोहार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं सुमित आप सभी का भारत दस्तक में एक बार फिर से। दोस्तों, एक भाजपा नेता ने चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर एक बदजवानी कर दी है। उनका कहना है कि हम रावण का अंत कर देंगे, यानी कि चंद्रशेखर रावण का अंत कर देंगे। तो कौन है वो, आइए आपको मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही दोस्तों, वो चंद्रशेखर रावण को लेकर ही आ रही है। 6 सितंबर को शिक्षा भर्ती जो घोटाला हुआ है, 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाला, जिसमें हमारे एससी एसटी और ओबीसी भाइयों का हक मारा गया है, उसके लिए 6 सितंबर को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। तो उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनना पड़ता है और हम अपना हक छीन कर लेंगे, हमें अपना हक छीनना होगा। तो आप लोग क्या 6 सितंबर को होने वाले शिक्षा भर्ती घोटाले के आंदोलन में शरीक होने वाले हो, जाने वाले हो, तो नीचे कमेंट करके अपना उत्तर दे सकते हो। दोस्तों, अगली खबर जो निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है जावेद अख्तर को लेकर। जावेद अख्तर एक फिल्म एक्टर है, लेखक है और गाने भी लिखते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि तालिबान तो बर्बर है ही, यानी कि जो तालिबान है जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है वो तो बर्बर है ही, लेकिन RSS और VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी कुछ कम नहीं है। इनके जो समर्थक है और इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी तालिबान से कम नहीं है, वो भी तालिबान की सोच अंदर रखते हैं। तो दोस्तों, क्या जावेद अख्तर के इस बयान से आप लोग सहमत हो या नहीं हो? जो RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू सेना है, विश्व हिंदू परिषद है, वो तालिबान की तरह ही काम करती है या नहीं करती है, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है, भाजपा के एक नेता है जिनका नाम है रामचंद्र कनौजिया। ये भाजपा के प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है और अनुसूचित जाति से ही आते हैं। इन्होंने चंद्रशेखर रावण को लेकर एक बदजुबान सा बयान दे दिया है। इनका कहना है कि चंद्रशेखर रावण है तो हम उसका अंत करेंगे, यानी कि साफ साफ बयान में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी है और कहा है कि चंद्रशेखर रावण है तो उसका अंत हम लोग करेंगे, हम ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने नहीं दे सकते। इन्होंने ये पूरा बयान दिया है। इनका कहना है कि जो भीम आर्मी चल रही है वो विदेशों के फंड से चल रही है, उसमें विदेश लोग और तालिबानी टाइप के लोग और जो आतंकवादी संगठन लोग हैं वो उसमें फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा रामचंद्र कनौजिया का कहना है चंद्रशेखर जी के बारे में और भीम आर्मी के बारे में। और उनका कहना है कि जो ऐसी आर्मी चल रही है भीम आर्मी और जिसके लीडर है चंद्रशेखर आजाद, इनका अंत होना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और दोस्तों, जिस प्रकार से रामचंद्र कनौजिया आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर के ऊपर कि इन्होंने विदेशों से फंड लिया है, तो चंद्रशेखर आजाद जी पहले ही क्लीन चिट ले चुके हैं, वो चैलेंज कर चुके हैं योगी जी को, अगर मेरा 1 रुपया भी बाहर से आया हो या किसी दूसरे संगठन से आया हो तो मुझे जेल में डाल दीजिएगा, और सरकार हार गई थी। और ये बेबुनियाद आरोप चंद्रशेखर के ऊपर ये लोग लगा रहे हैं, चंद्रशेखर भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये रामचंद्र कनौजिया ने कहा है कि हम चंद्रशेखर रावण का अंत हम लोग करेंगे, यानी कि चंद्रशेखर को खत्म करने की और मारने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या कहते हो, नीचे कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और देखते रहिए भारत दस्तक रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए। और उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए।